अब्बाजान, अब्बाजान, तुक्कू जी, भाई, हमारी तबीयत अब बिगड़ती जा रही है, हमें अब अपने नजीब पास जाना ही पड़ेगा। हमारे पास बड़े अच्छे हकीम और वैद्य हैं, उनसे आपका इलाज करवाया जाएगा। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब्बा हुजूर, आपका इस हालत में सफर करना खतरनाक है। बेटा देखो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है, मैं सह लूंगा। तो जी, जी भाई साहब, जाब्ता खान को मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरा चहेता बेटा है, इसका खास ख्याल रखिएगा भाई। मैं इन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कैसे निश्चिंत रहूं? तुक्को जी, महाज जी आज तक बुरारी घाट को नहीं भूले, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले। उनकी आंखों में जो चमक, लहजे में काट और बातों में जो तेवर मैंने देखे, उनसे मेरी रूह कांप गई। इस आदमी का मुस्तकबिल मैं इसके माथे पर देख रहा हूं। तो कुजी, इस मुल्क की तकदीर इसकी मुट्ठी में, देशभक्ति में इसका नाम अमर होगा। यूसुफ खान जी। हुजूर, हमारी रवानगी का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म। पालकी रोको जब्बार खान, काफला रोको। पानी लाओ। हुजूर, हुजूर, महाराज आपके आराम में खलल डालने की क्षमा चाहता हूं। ऐसी क्या बात? एक दुख भरी खबर है, नजीब खान साहब का देहांत हो गया। नजीबाबाद पहुंचने से पहले हापुड़ के पास। तुमने किसी और से कहा तो नहीं? जी नहीं। तुम जा सकते हो। जो आगे।
जब्ता खां खैरियत तो है, इतनी रात को कैसे तकलीफ की? आपके पिताजी नजीब खान साहब, क्या वो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे? सब्र कीजिए, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मेरा जाना बहुत जरूरी है नजीब बाबा। जाकर मैंने अब्बा जान की विरासत का दावा नहीं किया तो दूसरे दावेदार खड़े हो जाएंगे। मैं जानता हूं आपका नजीब आबाद जाना जरूरी है। घुड़सवारों का एक दस्ता मैं आपके साथ कर दूंगा, आप निकल जाइए। लेकिन नजीब खान साहब ने आपको मेरी निगरानी में दिया था, महाज जी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। महाज जी को तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नजीब खान साहब की आत्मा को बेचैन नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। महाज जी सिंधिया की इजाजत के बगैर मुझे रिहा करके आप अपनी आजादी खो सकते हैं। मजबूरी है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पड़ाव के बाहर तक छोड़ दूं ताकि आपको कोई रोके नहीं।